हेलो दोस्तों, लुसेंट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका वेलकम है। तो अभी तक दोस्तों स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड है सबसे छोटा पक्षी संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो इसमें आपको आंसर करना है दोस्तों कुत्ते को। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था दोस्तों मनुष्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला बोले तो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है दोस्तों। अंतरिक्ष में अगर कोई यात्री है तो उसे बाहर की जो दुनिया है वो बिल्कुल काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तार क्या है? एटीएम मशीन आपने यूज करी होगी दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो बुलाता है दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBW लेग बाई जो आउट हो जाता है दोस्तों पैड पे लग के, उससे रिलेटेड है तो किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। LBW जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, बोले तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ये बचाती है दोस्तों ओजोन परत। ओजोन परत बचाती है दोस्तों। अगर दोस्तों पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आने लग जाएगी दोस्तों तो उससे कैंसर और त्वचा से संबंधित रोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों डायरेक्ट अटैक करती है दोस्तों हमारी स्किन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं दोस्तों अजमेर में स्थित है, और अजमेर कहाँ स्थित है? वो स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसके बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दोस्तों सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों RBI। RBI दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, हैदराबाद के अंदर स्थित है दोस्तों। सालारगंज जो म्यूजियम है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु रहते दोस्तों पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो 40 डिग्री, बोले तो -40 डिग्री पर दोस्तों डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दोस्तों। अगर दोस्तों लुसेंट जीके का ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में आपको बेल आइकन का एक बटन मिलेगा दोस्तों उसे भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो दोस्तों।